मैं अरुणाचल से हूँ, अरुणाचल छात्र संगठन के मैं अध्यक्ष हूँ। हवा बगल यहाँ पे हम लोग इंटर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, हमारे चेयरमैन है, एडवाइजर है, जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे है। तो हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन की तरफ से हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हैं। 2016 के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसको अपोज करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है नॉर्थ ईस्ट पे, और नॉर्थ ईस्ट को जुर्म जुर्म का हिसाब से यहाँ पे जो मनाया जा रहा है। तो जितना भी यहाँ पे आउटसाइडर के लोगों को नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहते हैं, इसका खिलाफ है हम लोग यहाँ पे। सेक्रेटरी जनरल नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बिल है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016, दिस इज नथिंग बट टू प्रोटेक्ट द इलीगल बांग्लादेशीज। इज इन द इंटरेस्ट ऑफ दैट प्रोटेक्टिंग इलीगल बांग्लादेशीज, एंड वी स्ट्रॉन्गली अपोज दिस बिल। नॉर्थ ईस्ट में पूरा इलीगल फॉरेनर्स जो बांग्लादेशीज हैं, उनसे पूरा फुली फ्लडेड, इतना ज़्यादा 40 लाख हैज बीन डिटेक्टेड इन आसाम ओनली। सो इट्स ए डायरेक्ट थ्रेट टू द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, एंड वी स्ट्रॉन्गली अपोज दिस बिल। अलोंग दिस बिल वी ऑल्सो अपोज दिस फॉरेनर अमेंडमेंट बिल, पासपोर्ट एंट्री इन इंडिया नोटिफिकेशन एंड लॉन्ग टर्म वीजा ऑल्सो। ऑल दिस प्रोविजन्स आर नथिंग बट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इलीगल बांग्लादेशीज, एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट एट एनी एटमॉस्फेयर बाय इंडिजिनियस पीपल। हमारी बहुत सारी डिमांड है, यूनिवर्सिटी सिस्टम उसको लागू नहीं कर रहा है, और कुछ HRD से संबंधित भी डिमांड है हमारी, जैसे पे कमीशन अभी पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, HRA का लाभ हमें अभी नहीं मिला है, कई कॉलेजेस में तो पे कमीशन का जो एरियाज था वो भी नहीं मिला है, तो और भी हमारी दूसरी कई सारी डिमांड हैं, पोस्टें नहीं भरी जा रही हैं, प्रमोशनें नहीं हो रही हैं, और बहुत सारी डिमांड है हमारी, जिसके लिए हम लोग यहाँ आंदोलन के लिए आए।